स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी में एक बार फिर से। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पढ़ा था अरबों का भारत में आगमन, जिसमें कि हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में जाना था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहां हुई थी सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जब वापस गजनी जा रहा था तो भारत का साम्राज्य वो अपने तीन सेनापतियों के ऊपर छोड़ के जा रहा था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एलदौज, ये तीन लोग मुख्य रूप से शामिल थे। जिसमें से फिर से मैं दोहरा देता हूं, ताजुद्दीन एलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें से ऐबक को जो क्षेत्र देखने के लिए दिया गया था वो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की बात करें अगर हम, तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत के इन्हीं सम्मिलित 5 राजवंशों को ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से लगा के 1526 तक, इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है, उसके बाद मुगल आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्रम ध्यान रखना है कि कौन सा वंश किसके बाद आया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश और उसके बाद मुगल आ गए। तो इसको थोड़ा सा सरल बनाए हम लोग, तो सरल बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बुख तसलम। क्या लिखा हुआ है? बुख तसलम। ये गा लिखा हुआ है, गु से गुलाम वंश, खा से खिल्ली वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। अब ये जो ब्रैकेट में है इसके बाद कौन आ गया? मुगल आ गए। ठीक है। तो ये आपसे क्रम पूछ सकता है, तो एक बेसिक सा प्रश्न ये हो गया। आप देखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंश आते हैं या कितने वंश आते हैं, तो 5 वंश, जिसमें से पहला वंश है गुलाम वंश, या इसी को हम बोलते हैं दास वंश, या इसी को हम बोलते हैं मामलुक वंश, कहीं कहीं इसको हम इलवारी वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलवारी वंश। इसका जो समय है 1206 से 1290। आपको मैं पीछे थोड़ा ले चलता हूं, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है तो उस समय पे ऐबक को गद्दी पर बिठाया जाता है, लेकिन ऐबक केवल सिपह सालार की पदवी धारण करता है, ना कि सुल्तान। ठीक है। क्लियर। इन 5 राजवंशों में आप देखेंगे, मैंने यहां पे आपको एक क्रम से लिख दिया है, सबसे पहले तो आप ये याद करेंगे, फिर देखिए यहां पे इन 5 राजवंशों ने 1206 से लगा के 1526 ईस्वी तक शासन किया, तो कुल कितने वर्ष हो गए? 320 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक रही, उसके बाद मुगल आ जाएंगे। तब इन 5 राजवंशों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश। आप स्वयं देख सकते हो कि 1320 से लगा के 1414 तक, यानी कुल 94 वर्ष थे। तो आपसे प्रश्न फिर यहां बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? तो कौन सा वंश है? तुगलक वंश। आप इसी का अपोजिट देखिएगा,
दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो आपके सामने है खिलजी वंश, और खिलजी वंश मात्र 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने शासन किया। इसके जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश है, और जिसमें से पहला जो राजवंश है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। गुलाम वंश का जो पीरियड रहा है वो 1206 से 1290 तक रहा है, ठीक है। इस बीच कई शासक आए और कई शासक गए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में हम सदैव शासक को सुल्तान कहेंगे। क्या कहेंगे? सुल्तान कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई सुल्तान हुए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम केवल उन शासकों को या उन सुल्तानों के विषय में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में, जिनके बारे में पूछा जाता है, बाकी हम छोड़ देंगे। क्लियर? शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने जैसा कि पहले बताया था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके 3 सिपह सालार हैं, जिसमें ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये 3 हैं। और इसमें से दिल्ली का क्षेत्र ऐबक आपस में, बाद में आपस में युद्ध होता है इनके बीच में क्षेत्रों को लेके, लेकिन ऐबक ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध होता है, और वो दिल्ली में सबसे पहले तुर्की साम्राज्य की स्थापना करता है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन है, वो कौन है? हाँ, बताएं आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में गुलाम वंश के कई नाम हैं, आप सभी लोग जानते हैं गुलाम वंश के अलावा दास वंश, ठीक है, इलवारी वंश, इसका संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। यहां पर थोड़ा एक अंतर आ जाएगा, जब आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब वहां पर आप लोग इल्तुतमिश को टिक करेंगे। ये क्यों करेंगे? इसके बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा हम क्यों करेंगे, ठीक है। गुलाम वंश, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नाम है उसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी, देखने में सुंदर है इसलिए उसका नाम है चंद्रमा का स्वामी। साथ ही उसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे लाख बक्स मतलब लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा पील बक्स, हाथियों का दान देने वाला, ठीक है। पुराण खा, हातिम द्वितीय। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे उपाधियां पूछ लेते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। फिर देखिएगा, हमारे दिमाग में ये रहता है दिल्ली सल्तनत नाम है तो राजधानी भी क्या रही होगी? दिल्ली रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? साफ साफ लिखा है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है, और बाद में इसके बाद आने वाला शासक इल्तुतमिश ये राजधानी परिवर्तित करेगा और राजधानी लेके आएगा दिल्ली। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नामकरण, ठीक है, इसकी उपाधियां जो है वो, राजधानी, ठीक। सबसे पहली बात, चूंकि इसका इस वंश का नाम ही है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश नाम है तो ये मोहम्मद गोरी से इतना भय खाता था कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है। जब इसको ये बताया गया कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है, तभी इसको विश्वास नहीं हुआ। इसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण ही की, और उसी से वो शासन चलाता रहा। सुल्तान की उपाधि उसने धारण की ही नहीं। तो प्रश्न बन जाता है यहाँ पे
कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वो कौन सा शासक है जिसने केवल सिपह सालार और मलिक की उपाधि धारण करी, तो कौन है उसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक है, तो कौन सा शासक है वो? तो तब भी आंसर क्या होगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखिए यहां पे, इसको हम वास्तविक संस्थापक नहीं मानते, हम गुलाम वंश का संस्थापक तो मानते हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं मानते हैं कि ना तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अब आपके मन में एक प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि आखिरकार खुतबा क्या है। देखिए, खुतबा क्या है, जैसे राजा जिसे किसी चीज के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है तभी आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप चलाने योग्य होते हो। वैसे ही राजा या सुल्तान बनने के लिए अरब के खलीफा से आपको मान्यता लेनी पड़ती है और वही मान्यता क्या कहलाती है? खुतबा। वही क्या कहलाती है? खुतबा। तो ये मान्यता ना तो इसने अरब के खलीफा से मान्यता ली और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, केवल इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करी। फिर यहां पर देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो वो कौन है? वो तुर्क नहीं है, वो कौन है? कौन है वो? मंगोल है, ठीक है, और ये कौन है? ये तुर्क है। तुर्क और मंगोलों में बहुत अंतर है, ठीक है, वहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक किताब के बारे में आपको बताऊंगा कि है तो वो मुगल काल की लेकिन लिखी गई है तुर्की भाषा में, बहुत फेमस पुस्तक है, ठीक। फिर इसके बाद में देखिएगा, मोहम्मद गोरी बहुत आसपास, चूंकि ये भारत में पहली बार कोई मुस्लिम शासक ने अपना शासन स्थापित किया है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, आसपास के जितने भी राजा हैं उनसे लड़ाई करना, ठीक है, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना, सारा कुछ है। ये करते करते ये अपने साम्राज्य का विस्तार ये नहीं कर पाया, केवल जितना साम्राज्य था उतना ही वो रोक पाया, ठीक है। हाँ, इसने निर्माण कार्य के क्षेत्र में तीन बहुमूल्य काम किए। सबसे पहले एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम हम बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, क्यों इंपोर्टेंट है ये भी मैं बता देता हूं आपको। भारत में इस्लामिक शैली पर बनी पहली मस्जिद कौन सी है? वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहां पे स्थित है? दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ध्यान रखिएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा अजमेर में इसने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। इसके विषय में एक कहानी भी है, कहा यह जाता है कि यहां पे संस्कृत का एक विद्यालय था जिसको तोड़कर ढाई दिन में ही वहां पर एक मस्जिद का रूप दे दिया गया उसको और उसको नाम दिया गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवारों पर हरिकेन नाटिका है, उसके अंश उत्कीर्ण है और संस्कृत भाषा साफ साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा एक और विशिष्ट काम किया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, कहां पे? दिल्ली में, मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में सब में ये पूछा जाएगा। लेकिन इसकी भी कहानी है, ये न्यू तो डालता है लेकिन इसको पूरा ये करवा नहीं पाता है, इसको बाद में पूरा करवाएगा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद भी बहुत सारे शासक आएंगे जो इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, फिरोज शाह तुगलक आएगा, ठीक है, इसमें उसकी ऊंचाई बढ़वा देगा, सिकंदर लोदी आएगा उसमें संगमरमर लगवा देगा। तो हम कुतुब मीनार के बारे में जब हम
सांस्कृतिक इसका इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार चाहे तो फिर से देख लें। आज सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का, चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। उपाधि लाखबख्श, पीरबख्श, कुरान खान, हातिम खान, हातिम बुद्धीश्वरी। राजधानी इसकी लाहौर है, ठीक है। मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण करी उसने, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना तो सिक्के चलवाए और ना ही अरब के खलीफा से इसने खुतबा प्राप्त किया। खुतबा मतलब लाइसेंस, मैंने आपको बताया। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक इसी को माना जाता है, चूंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक। इसके अलावा इसने निर्माण कार्य आपके सामने है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, राय दीन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव जो है वो एक सूफी संत है इराक के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया जो कि कई चरणों में पूरा हुआ। इसके पहले अभी हम लोगों ने गुलाम वंश के पहले शासक के विषय में पढ़ा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं अल्तमस। क्या बोलते हैं? अल्तमस। इल्तुतमिश या अल्तमस। इल्तुतमिश या अल्तमस के नाम का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। क्लियर। शुरुआत में यह भी दास होता है, लेकिन लेकिन मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक इसे दासता से मुक्त कर देता है, इसे दासता से मुक्त कर देता है। अब देखिए इधर, इसे क्या कहा गया? गुलामों, इसकी उपाधि क्या है? गुलामों का गुलाम। यानी कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और कुतुबुद्द और ये किसका गुलाम है? इल्तुतमिश किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी गुलाम का गुलाम है ये, ठीक है। इसको बोला गया मकबरों का पितामह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि मकबरों का पितामह किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है वो भी जान लीजिए। पहली बार भारत में मकबरा बनवाने का जो कॉन्सेप्ट था या जो मकबरा बना वो इल्तुतमिश ने बनवाया, और किस? अपने पुत्र की मृत्यु पर। सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो कि कहां पे है? दिल्ली पर है, जो कि कहां पे है? दिल्ली। और नाम क्या है? सुल्तान गढ़ी। पुत्र का क्या नाम है? नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन की मृत्यु पर सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। यानी मकबरा बनवाने की नींव जो है वो किसने डाली यहां पर? इल्तुतमिश ने। अब इधर देखिएगा, प्रारंभ में मैंने आपसे बताया कि अकबर का दास था, बाद में दासता से मुक्त होता है। बाद में अकबर का ये दामाद बनता है और साथ में ही इसकी योग्यता को देखते हुए इसे बदायूं का इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है। बदायूं का इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उसके बाद इल्तुतमिश शासन पर प्रभावी हो जाता है और सीधे खलीफा से खिलवत, इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अधिकार पत्र। तो खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? वो है इल्तुतमिश, जिसने खलीफा से खिलवत या अधिकार पत्र प्राप्त किया, ठीक। अभी तक आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। यहां पर राजधानी बदल जाएगी और ये राजधानी अपनी कहां लेके चला आएगा? दिल्ली। दिल्ली के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का संस्थापक कौन था, तोमर वंश का था, अनंगपाल तोमर, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा बाद में। अब यहां पर देखिएगा, चूंकि यह दिल्ली सल्तनत या कह लीजिए कि गुलाम वंश का दूसरा प्रमुख शासक है, तो इसके सामने समस्याएं भी बहुत सारी हैं। ना तो आय के कोई स्रोत है, ठीक है, वो सब बनाने हैं,
तो कैसे क्या करना है इसके लिए सलाह के लिए इसने 40 लोगों का एक दल गठित किया जिसे हम बोलते हैं चालीसा या तुर्काने चहलगानी। चालीसा का काम था कि जैसे आज जैसे प्रधानमंत्री होते हैं उनके कैबिनेट होती है सलाह देने के लिए, वैसे ही ये 40 लोग किसको इल्तुतमिश को सलाह दिया करते थे, ठीक है। और इसी में अभी एक अगला शासक आगे आएगा बलबन, वो भी इन्हीं 40 लोगों में शामिल है, ठीक। अब देखिए भारत चूंकि इसके पास पैसा तो है नहीं तो जब ये काम करवाएगा जो सैनिकों को वेतन भत्ता देना होगा तो कैसे देगा, सारी जमीन तो इसकी है, तो इसके लिए ये क्या करेगा भूमि का एक टुकड़ा दे देगा। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं आपको वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा देगा और उस भूमि के टुकड़े पर जो भी अनाज पैदा हो वो उससे आप अपना जीवन यापन करिए चलाइए। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने करी, तो भाई ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इल्तुतमिश, इसे एकता और इसे इल्तुतमिश याद करने का यह तरीका है ताकि आप लोग भूले ना। टंका और जीतल नाम के दो इसने सिक्के चलाए, टंका जो सिक्का था वो चांदी का बना हुआ था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। टंका जो था वो 175 ग्रेन का हुआ करता था, कितना हुआ करता था 175 ग्रेन का हुआ करता था। कभी कभी पूछ लेते हैं जब बहुत कठिन पूछना होता है तो आपसे पूछ लेंगे कि इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के टंका ये कितने ग्रेन का था, तो कितने ग्रेन का था 175 ग्रेन का था। और जीतल किसका सिक्का है, तांबे का सिक्का है। तो ध्यान रखिएगा चांदी का कौन सा है और तांबे का कौन सा है, ठीक है, दो चार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो प्रमुख एक काम रहा कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ये सूफी संत थे, पूरा नहीं करवा पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए, ठीक है, पोलो को चौगान कहते हैं, 1210 में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1231-32 में कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का आरंभ किसने करवाया, तब आंसर दूसरा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किसने करवाया, तब आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बारे में कुतुब मीनार के बारे में मैं और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे, फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत कुछ किया इसमें, सिकंदर लोधी ने भी बहुत कुछ किया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसने कुछ चीजें बनवाई, सबसे पहले अपने पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया दिल्ली में ही, जिसे हम बोलते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा है, भारत में बनने वाला पहला मकबरा है, इसीलिए इसे उपाधि दी गई है मकबरों का पितामह, कि पहली बार इसने कोई मकबरा बनवाया है। फिर इसने अपने महल के सामने दो इसने संगमरमर के शेर लगवाए, शेरों की मूर्तियां बनवाई और उन शेरों की मूर्तियों पर घंटी टंगवा दी कि जिसको भी न्याय की आवश्यकता हो वो इन घंटियों को बजाए ताकि उसको न्याय मिल सके, उसकी आवाज सुल्तान तक पहुंच सके। अच्छा, यही ये जो इस न्याय व्यवस्था को जंजीरी न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक इस हिसाब से प्रश्न नहीं बना है कि जंजीरी न्याय व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रारंभ की, अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं बना है इस नाम से। तो कौन है, इल्तुतमिश। जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में जहांगीर भी ऐसा ही काम करेगा, आगरा के किले में शाह बुर्ज में, वहां पर वो जंजीरी न्याय व्यवस्था लागू करेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे मुगल काल में। फिर देखते हैं जोधपुर में इसने अतरकीन का दरवाजा बनवाया, अपने यहां आपको याद होगा एक
मुगल काल में बुलंद दरवाजा और ये अतरकीन का दरवाजा। जब बुलंद दरवाजा आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जा सकता है तो क्या अतरकीन का दरवाजा नहीं पूछा जा सकता है? आप देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले प्रश्न बनाने वाले की सोच तक पहुंचे कि वो कौन सा प्रश्न बना सकता है, ये जो फैक्ट है इससे कौन सा प्रश्न बना सकता है। ठीक है, स्थिति ये आ जाए कि प्रश्न बनाने वाला आपसे पूछे कि बताओ भैया कि आपने कहां से नहीं पढ़ रखा है, हम वही प्रश्न बनाएं। ठीक है, इतना अपने में कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रजिया के बाद। इल्तुतमिश के बाद उसके कई उत्तराधिकारी रहे हैं, लेकिन इल्तुतमिश उनमें से सबसे योग्य अपनी पुत्री रजिया को मानता था और वो रजिया को ही शासन पर या गद्दी पर बिठाना चाहता था। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका। पहली और अंतिम बार रजिया ही दिल्ली सल्तनत पे शासन इन्होंने किया है और किसी भी महिला ने शासन नहीं किया है। अच्छा, ये शासन पे आई कैसे? चूंकि जो इनके इनके जो विरोधी इनका जो गुट था वो नहीं चाहता था कि रजिया गद्दी पर बैठे, इसके लिए इन्हें जनता का साथ मिला और जनता के साथ की वजह से ये गद्दी पर बैठी। इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है कि शुक्रवार के दिन नमाज के दिन ये जाती हैं और सबसे अपील करती हैं, तो पूरी कहानी है, उससे हमारा ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के दिल्ली की जनता ने इनको गद्दी पर बिठाया, रजिया को गद्दी पर बिठाया। रजिया पुरुषों की तरह कबा, जिसको हम कुर्ते के रूप में मान सकते हैं, कबा और कुलाह, कबा कुर्ता हो गया, कुलाह पगड़ी, कबा और कुलाह नामक ये दो वस्त्र ये धारण करती थी पुरुषों की भांति और दरबार लगाती थी। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज़ पर चर्चित है कि एक इनका गुलाम था अल्तुनिया के साथ में इनका आरोप भी लगाए गए, प्रेम संबंधों का आरोप भी लगाया गया। सिंध के निकट एक स्थान है कैथल में ही ये जब आराम कर रहे थे दोनों लोग, तब इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। रजिया का चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है। रजिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हम लोगों को, केवल इतना, ये पहला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन है, तो वो कौन है, रजिया सुल्तान। और कब? 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं दूसरे शासक के बारे में, आते हैं बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुलाम वंश में बलबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधि है उलूग खां जिल्ले इलाह और उलूग खां जिल्ले इलाह, साथ में ये कैसा तुर्क है, इलबारी तुर्क है। मजे की बात देखिएगा, इल्तुतमिश ने जिस चालीसा का जो दल बनाया था उस दल में बलबन भी शामिल था। तो बलबन देखता चला आ रहा था कि किसी भी शासक को गिराना है, किसी भी शासक को उठाना है, तो ये काम चालीसा का दल बहुत आसानी से करता था और जितने भी षड्यंत्र होते थे वो चालीसा के दल के लोग करते थे। तो जैसे ही ये शासन पे आता है वैसे ही ये चालीसा के दल को समाप्त कर देता है, चालीसा के दल को ही समाप्त कर देता है ये। फिर देखिएगा, पहले की अगर हम बात करें तो ये रजिया के समय अमीरे आखूर के पद पे था। अमीरे आखूर का मतलब होता है जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, घुड़सवार जहां होते हैं उनका प्रधान इसको बनाया था रजिया ने। वहां से इसने धीरे धीरे प्रगति करी, रास्ता खुलता गया और ये स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि यानी सुल्तान को ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था कि ये सुल्तान जो है ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, इसकी बातें मानना सबका धर्म है। ठीक है, और इसने राजत्व के सिद्धांत का पालन किया, सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करी। इसका मतलब क्या है,
इसने क्या किया, छोटे लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया। छोटे लोगों से मतलब ये नहीं कद से मतलब नहीं है, ठीक है, कद से मतलब नहीं, छोटे मतलब जो मान प्रतिष्ठा पद इसमें छोटे हो उनके साथ उसने बैठना छोड़ दिया। यहां तक कि उसने हंसना दरबार में छोड़ दिया और साथ ही जो दरबारी थे उनको भी मना कर दिया कि आपको भी नहीं हंसना है। और हर एक दरबारी को एक निश्चित वेश में आना होता था, हर एक निश्चित वेश में आना होता था, इसने इतने कड़े शासन लागू किए हुए थे। साथ ही इसके साथ में कम से कम 6 से 7 फुट के लोग तलवार लिए, नंगी तलवार लिए हुए इसके साथ चलते थे, जो जिनके बदन में तेल लगा हुआ रहता था और ये इनके साथ चलते थे, केवल इस चीज को दिखाने के लिए, डराने के लिए। और जबकि जब इसके बेटे की मृत्यु होती है तो ये अकेले कमरे में फूट फूट के रोता है। इसके बारे में बहुत कुछ इतिहासकारों ने बताया है, अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो शायद ये लेक्चर 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो उसकी चर्चा ना करते हुए आगे देखते हैं। इसने यहाँ पे भारत में प्रथा लागू की सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस का मतलब क्या है? सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, इसके सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, वो है सिजदा। पाबोस क्या है? चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना, वो क्या है? पाबोस है। तो पूछा जाता है एग्जाम में सिजदा और पाबोस नामक दो प्रथाएं किसने चलाई, तो ये बलबन ने चलाई। फिर देखिए, एक स्थायी सेना के गठन के लिए इसने दीवाने आरिज या इसी को दीवाने अर्ज भी कहते हैं की स्थापना करी, ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पर इधर उधर सेना ढूंढनी ना पड़े। ईरानी त्योहार है जो 9 वर्ष के अवसर पे मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं नवरोज। इसने नवरोज को मनाना शुरू किया अपने दरबार में। और इसके अलावा इसके दरबार में ईरान के ही तर्ज पे 2400 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। और ये कॉन्सेप्ट कहां का था? ईरान का था। ये अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। अफरासियाब ईरान का एक वंश था जो बड़ा प्राचीन वंश था, तो वह उसका वंशज मानता था और वैसे ही वो जिंदगी जीना चाहता था। मैंने आपको अभी पहले बताया चालसा के दल को समाप्त कर दिया, साथ ही कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया और उसका नाम दिया बरीद ए मुमालिक। क्या नाम है? बरीद ए मुमालिक। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि निम्न में से बरीद क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने आ जाए, तो बरीद क्या है? बरीद गुप्तचर है। बरीद क्या है? गुप्तचर है। और इनका जो संगठन है उसका नाम है बरीद ए मुमालिक। क्या नाम है? बरीद ए मुमालिक के विभाग है। फिर देखिएगा, यहां आगे चल के ये बीमार पड़ता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कई शासक आते हैं बीच में, ठीक है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हम नहीं पढ़ेंगे उनको। गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ लिया जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है कयूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कयूमर्स। हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, कयूमर्स, ठीक है। हाँ, आप लोगों से एक अपील और है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते रहिए या रोज दोहराइए इसको, और साथ में जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उनको आप कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले खिलजी वंश के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।